हेलो एवरीवन, वेलकम टू तृप्ता इनोवेशंस। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप राडिक्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में TCS डेबिट नोट ट्रांजैक्शन को कैसे कर सकते हैं। राडिक्स में अगर सेल्स में TCS ऐड नहीं करना हो और उसकी जगह पर डेबिट नोट के जरिए TCS की एंट्री करनी हो, तो पहले हम यहाँ पर एक न्यू डे बुक क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर मास्टर्स डे बुक्स पर क्लिक करेंगे। नेम, यहाँ पे हमें डे बुक का नाम एंटर कर देना है। हम यहाँ पे डेबिट नोट TCS नाम दे रहे हैं, एंटर कर देंगे। कोड, यहाँ पे आपको DBNT S01 कोड एंटर करना है। नेक्स्ट टाइप, यहाँ पे आपको सेल्स रिटर्न ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट GST सब टाइप, यहाँ पे GST डेबिट नोट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट अकाउंट, यहाँ पे F4 की प्रेस करके TCS पेएबल अकाउंट को सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट स्टेटस, यहाँ पे टिक कर देना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे टू इन्वेंट्री टैब पे क्लिक करेंगे। अलाउ एडिट लाइन आइटम अमाउंट, यहाँ पे टिक कर देना है। नेक्स्ट अलाउ जीरो क्वांटिटी, इस ऑप्शन पे भी टिक कर देना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे 5 GST डिटेल्स टैब पे क्लिक करेंगे। इस GST एप्लीकेबल, यहाँ पे हमें टिक नहीं करना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे सेव कर देंगे, डे बुक क्रिएट हो जाएगी। डे बुक क्रिएट हो गई है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि जिस पार्टी की TCS की डेबिट नोट की एंट्री कर रहे हैं, उस पार्टी में TCS एप्लीकेबल नो होना चाहिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे ट्रांजैक्शंस, सेल्स, आउटवर्ड डेबिट नोट GST पे क्लिक करेंगे। यहाँ हमने जो डेबिट नोट TCS डे बुक क्रिएट की है वो लिस्ट में आ गई है, उस पे एंटर कर देंगे। एंट्री फॉर्म ओपन हो जाएगा, यहाँ पे सभी डिटेल्स को फिल कर देना है। डेट और अकाउंट को सिलेक्ट कर लिया है। अब नेक्स्ट आइटम, यहाँ पे F4 की प्रेस करके TCS आइटम को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आइटम की पिक लिस्ट में TCS नेम से आइटम नहीं है, तो एक न्यू आइटम क्रिएट कर लेनी है। न्यू आइटम कैसे क्रिएट करें, उसके लिए वीडियो अवेलेबल है, आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अमाउंट में TCS की वैल्यू डाल देनी है। हम यहाँ पे 10,000 एंटर कर रहे हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। इनवॉइस सेव हो गया है। इस तरह से हम राडिक्स में TCS के डेबिट नोट की एंट्री कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।